हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है माय चैनल होल 240 मैक में। ये एक इंडक्शन है जो देखिए क्या कंडीशन कर रहा है। देखिए इसमें इसको हमने ओपन कर लिया था, ऊपर का इसका ओपन है और डिस्प्ले इसकी पड़ी हुई। देखिए ये इस तरह की कंडीशन कर रहा है। ये देखिए ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम कर रहा है और ऑन ऑन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसकी इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम लग रहा है। और इसको हटा के डिस्प्ले हटा दी, फिर देखते हैं इसको हटा के। भी यही दिक्कत कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, इसको रिपेयर करते हैं। इसको हमने निकाल लिया। रिवर्स इसमें जो है पानी गया हुआ है, इसमें पानी गया हुआ है, इस बिहेवियर जो है शॉर्टिंग कर रहा है। तो पहले इसकी सप्लाई चेक करते हैं। इसमें सप्लाई हमें जो है बोर्ड को देखते हैं, बोर्ड में सप्लाई सही आ रही है, फिर आगे देखते हैं। तो व्यूअर्स पहले हम मल्टीमीटर का जो है नेगेटिव प्रॉब्लम जो है वो हम ब्रिज इलेक्ट्रीफायर के नेगेटिव में जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ लिया इसको, आप इसके लिए और मल्टीमीटर को 600 की रेंज में लगा देंगे। अब मल्टीमीटर का नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉब्लम जो है ले लेते हैं, उसको सीरीज लगाते हैं। ये सीरीज लगा दिया, ये हमें जो है प्रॉपर 320-328 के समथिंग वोल्ट मिल रहा है, ओके है। यहाँ भी हमें प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है, यहाँ भी हमें प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है। और जो है व्यूअर्स यहाँ भी प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ सप्लाई आ रही है तो हम इसका 5 वोल्ट 18 वोल्ट चेक कर लेते हैं। इसका जो है ये हमारा फैन की जैक लगी हुई है, यहाँ हमें 18 वोल्ट ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर 18 वोल्ट इसका चेक कर लेंगे। यहाँ पे फैन की जैक में 18 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 18 वोल्ट हमें मिल रहा है और 5 वोल्ट चेक कर लेंगे। ये हमारा जो है कंट्रोल पैनल की जैक है, यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, तो 5 वोल्ट भी हम देख लेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है सेकेंड ईयर में। तो व्यूअर्स हमें यहाँ पे 5 वोल्ट भी मिल रहा है, यहाँ पे 18 वोल्ट भी मिल रहा है। तो ऐसा करेंगे हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसके कंट्रोल पैनल को चेक करेंगे। व्यूअर्स देख रहे हैं काफी डैश है तो शॉर्टिंग हो सकती है इसमें। तो हम मल्टीमीटर को 2080 मोड में लगा लेंगे। और इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे कहीं
एक एक स्विच चेक कर लेंगे, रीडिंग को चेक करेंगे। हमारी एक एलईडी ये खराब हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्विच नहीं, वो चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग हम देख रहे हैं, शॉर्टिंग शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पे, बस हमारा ये स्विच ज़्यादा खराब है। आईसी की दिक्कत हो सकती है, रिवर्स 1668 आईसी लगी हुई है। कभी कभी यहाँ से जो है डिस्प्ले से भी हो जाता है। काफी दिक्कत है इसमें जो ये शॉर्टिंग कर रहा है इंडक्शन, इसमें जो है पानी गया हुआ है। इसको अच्छे से स्वाप कर ले, रिवर्स इसकी एलईडी को जो है निकालते हैं। व्यूअर्स, हमने इसकी एलईडी को बाहर कर लिया है, तो आप इसकी कंडीशन को देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है अंदर पानी जाने की वजह से सड़ गई है, वो बहुत ही गंदी कंडीशन में निकला है। व्यूअर्स अब लगा के देखेंगे दोबारा इसमें। हमारा इंडक्शन क्या कर रहा है व्यूअर्स, ये हमारे स्विच खराब है। ये देखिए जो स्विच सही है, देखिए वो वर्क कर रहा है। यानी कि व्यूअर्स हमारा जो है
डिस्प्ले की ही दिक्कत थी। चलिए देखते हैं कोई डिस्प्ले इसमें लगाते हैं। गोल तो इंजेक्शन है ये और ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो है ये देखिए PD1 का ही ये डिस्प्ले रखी थी। ये PD1 का सेट रखा हुआ था और हमें याद था कि मेरे पास एक PD1 का जो है कंट्रोल बोर्ड और एक कंट्रोल पैनल रखा हुआ है। देखिए हमने जो है PD1 का जो है ये लगाया है कंट्रोल पैनल। देखिए हमारा इंडक्शन देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखिए देखिए E0 आ गया है, ठीक है, E0 भी हमारा आ गया है, यानी कि हमारी डिस्प्ले की ही दिक्कत थी। जैसे हमने पहले बोर्ड को चेक किया था, बोर्ड में प्रॉपर सप्लाई हमें मिल रही थी और प्रॉपर सप्लाई मिलने की वजह से तो हमने आपसे बताया था कि कंट्रोल पैनल में दिक्कत है और कंट्रोल पैनल की जो फॉल्ट हमने पकड़ा, डिस्प्ले का फॉल्ट हमें दिखा क्योंकि वहाँ पे पानी गया हुआ था और गंदगी ज़्यादा थी, उसके वजह से हमें सीधे सीधे पॉइंट जो है कंट्रोल पैनल ही का दिखा, वही डिस्प्ले का दिखा और डिस्प्ले हमने निकाली और हमें प्रॉब्लम डिस्प्ले में ही दिखी। और देखिए जिस तरह से ये देखिए ये डिस्प्ले थी हमने देखिए लगाई है आपके सामने व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तो ये देखिए प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है, यानी कि हमारी डिस्प्ले में ही दिक्कत थी। ये देखिए इंडक्शन हमारा अच्छा।